हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। बिहार के पटना जंक्शन पर बेहद शर्मनाक घटना सामने आई जब प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगे टीवी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चल गई। जी हां, ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म पर लगाए गए टीवी सेट पर यह पॉर्न फिल्म करीब 3 मिनट तक प्ले हुई थी। वहीं जैसे ही रेलवे स्टेशन के स्टाफ को इसका पता चला तो तुरंत ही इस वीडियो को रुकवाया गया, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू की है। यही नहीं, पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के जिस टीवी सेट पर यह अश्लील वीडियो टेलीकास्ट हुआ उस पर एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा कोई वीडियो चलाया जाना था। शुरुआती जांच में पता चला कि किसी कंपनी को ये वीडियो प्ले करना था, हालांकि उसके कर्मी पॉर्न क्लिप देख रहे थे। जल्दबाजी में उनसे वही अश्लील क्लिप इस टीवी स्क्रीन पर प्ले हो गया। पटना जंक्शन का 10 नंबर पर सारा में देखिए, एलईडी डायरेक्ट चालू है, ऊपर वाला पटना जंक्शन का 10 नंबर पर फॉरम है, वीडियो चालू है। पटना जंक्शन के टीवी सेट पर जैसे ही ये वीडियो चला, यहां बैठे पैसेंजर्स भी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्या करें। इधर पटना जंक्शन के संबंधित अधिकारियों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने आरपीएफ और जीआरपी के जरिए तुरंत इस वीडियो को रुकवाया। तत्काल संबंधित एजेंसी को फोन कर इस संबंध में जानकारी ली गई। फिर आरपीएफ ने ही दानापुर रेल डिवीजन के अफसरों को इस मामले की सूचना दी। वह इस वीडियो के ऑपरेटर और संबंधित स्टाफ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक अश्लील क्लिप सिर्फ प्लेटफॉर्म 10 के टीवी सेट पर ही प्ले हुई थी। हालांकि ये लापरवाही का मामला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर उम्र के लोग होते हैं। इस जगह पर इस तरह का घटनाक्रम करना बेहद चौंकाने वाला है। करीब 3 मिनट तक वीडियो प्ले हुआ था। ऐसे में कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये वीडियो प्ले कैसे हो गया। फिलहाल अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।